ओके सो गाइस गुड इवनिंग. हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे? एम्प्लॉय बेनिफिट्स की. सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए जल्दी निकालें अपना बुक्स और अपना कॉपी जहाँ पर आपने AS 15 के बारे में जो भी पढ़ा है अपन उसको जल्दी जल्दी देखते जाएं. ओके, AS 15 के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है शुरू से देखते हैं. सबसे पहले AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कितने टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं? 4 टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स. कौन से? शॉर्ट टर्म पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स. अदर लॉन्ग टर्म एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स, राइट? ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कौन से होते हैं? विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट. इनको हमेशा हमें P&L में डालना पड़ता है. उसके बाद दूसरा, टर्मिनेशन बेनिफिट्स कौन से होते हैं? टर्मिनेशन बेनिफिट्स जब सर्विस को टर्मिनेट करना होता है, VRS टाइप के एक्सपेंडिचर, वो सब टर्मिनेशन बेनिफिट्स में आते हैं. टर्मिनेशन बेनिफिट्स का भी ट्रीटमेंट क्या होता है? टर्मिनेशन बेनिफिट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? P&L में ले जाते हैं. अब बचे दो. कौन से दो बचे? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कौन से होते हैं? विच आर पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. विच आर पेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद पे होता है और अदर लॉन्ग टर्म पेमेंट्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं. अच्छा, अब ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कितने टाइप के होते हैं? गाइस बताओ कितने टाइप के होते हैं? बताओ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. कौन से दो टाइप के होते हैं? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन जहां पर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय बेनिफिट इज फिक्स्ड. तो जहां पर फिक्स्ड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन वो जितना भी करेगा वो पूरा का पूरा P&L में ले जाएगा. बात समझ आएगी नहीं? इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था EPF ESI. उसके बाद दूसरा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स. क्या बोला मैंने? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स. डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं? जहां पर एम्प्लॉई को बेनिफिट दिया जाने वाला, जो जो दिया जाने वाला बेनिफिट होता है वो डिफाइंड होता है. दिया जाने वाला बेनिफिट डिफाइंड होता है. बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा जी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स. इस डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को लेकर मैंने आपको दो बातें बोली थी, एक लाइबिलिटी एक असेट. बोलो कौन कौन सी चीजें थी? लाइबिलिटी और असेट. नाम क्या था? लाइबिलिटी था प्रोविजन फॉर DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. असेट का नाम क्या था? प्लान असेट. सबसे पहले हमने प्लान असेट की बात की थी. हमने बोला था कि प्लान असेट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा हम मान के चलेंगे किस टाइम पे होगा? मिड ऑफ द ईयर में होगा. अच्छा, उसके बाद हमने बोला था कि प्लान असेट के ऊपर एक इनकम निकाली जाएगी. उस इनकम का नाम क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा 6 महीने का निकाला जाएगा. हमें दिया जाएगा एनुअल रिटर्न. एनुअल रिटर्न दिया जाएगा, 6 महीने का रिटर्न निकालना है. क्या? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट माइनस 1 × 100. ओके, ये हमें हाफ ईयरली रेट मिल जाएगा. अच्छा, हमने फिर प्लान असेट्स की जर्नल एंट्रीज क्या देखी थी कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्लान असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेनिफिट्स होंगे पेड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट्स. दोनों चीजें मिड ऑफ द ईयर में होंगी. उसके बाद रिकॉग्नाइज करेंगे अपन क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न दो बार. क्या? प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये अपन अदर इनकम में डालेंगे. ईयर एंड पे अपन क्या करेंगे इस प्लान असेट का? फेयर वैल्यू पे करेंगे. अच्छा, फेयर वैल्यू का करने के बाद हमें इस अकाउंट से ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, फेयर वैल्यू पे पेमेंट की एंट्री हो गई, कॉन्ट्रीब्यूशन की हो गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न की एंट्री हो गई. फिर हमें बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? एक्चुअल गेन एक्चुअल लॉस मिलेगा. वो एक्चुअल गेन लॉस P&L में डालेंगे कि OCI में डालेंगे? P&L में डालेंगे. अगर AS है और IND AS है तो OCI में डालेंगे. बच्चों बेटा क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? और हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक और चीज. कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? बोलो कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? टेल मी, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? एक्चुअल रिटर्न क्या आएगा? बोलो, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस. प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप वाइज पढ़ाई करेंगे. पहला स्टेप क्या होगा? जल्दी बोलो, पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, क्या था पहला स्टेप? हाँ, फर्स्ट स्टेप था कि आप कितना एस्टिमेटेड बेनिफिट पे करोगे, टोटल एस्टिमेटेड बेनिफिट्स. बेटा फर्स्ट स्टेप टोटल एस्टिमेटेड बेनिफिट. सेकेंड स्टेप क्या था? बेनिफिट्स का अलोकेशन. अब ना इसके आगे चलने वाले हैं अपन, इसलिए जल्दी जल्दी चलो. बेनिफिट्स का हमने निकाल लिया था, फिर उसके बाद बेनिफिट्स का अलोकेशन. अरे बोलो बच्चों,
बेनिफिट्स का अलोकेशन, अलोकेशन भी बेनिफिट्स का हो गया। फिर थर्ड स्टेप क्या थी, सीएससी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएससी। सीएससी मतलब करंट सर्विस कॉस्ट, बोलो बेटा, सीएससी मतलब करंट सर्विस कॉस्ट। ये करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकाली थी अपन ने, उल्टे से प्रेजेंट वैल्यू किया था, बोलो बेटा, उल्टे से हमने प्रेजेंट वैल्यू किया था, किया था कि नहीं किया था, हमने उल्टे से प्रेजेंट वैल्यू किया था, और वो जो आया था वो उसको बोलेंगे सीएससी करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट हर साल एक्सपेंस मानी जाएगी पीएनएल में। एंट्री क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ। इस एक्सपेंस के बाद हर साल फाइनेंस कॉस्ट निकाली जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ। समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चों। ओके ओके, यहां तक हम कर चुके थे, हाँ यहां तक हम कर चुके थे। चलिए इसी क्वेश्चन को, इसी सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। आइए बेटा, जहां तक हम कर चुके थे उससे हम अब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ना है भाई अपने को, ठीक है। हाँ जी, अब हम निकालेंगे कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट पर्टिकुलर्स, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग लायबिलिटी निल, ईयर वन के स्टार्टिंग में तो निल होगी, बोलो बेटा, बोलो ना क्या होगा, निल। उसके बाद प्लस करंट सर्विस कॉस्ट, बताइए करंट ईयर की सर्विस कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट ईयर की, हाँ, ट्रिपल, ट्रिपल सिक्स, क्या ट्रिपल वन सिक्स, और अगले साल की 1250 14। जल्दी जल्दी लिखते जाओ बेटा साथ साथ मेरे, ऐसे ऐसे करके लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या है, 140 061। नेक्स्ट 867। नेक्स्ट 175 692। उसके बाद सीएससी, सीएससी के बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। सीएससी के बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। जीरो फाइव फोर, हाँ। अब इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं निकलेगा क्योंकि हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं ईयर एंड में, तो 111 655 हो जाएगा क्लोजिंग। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालो बेटा। देखो अगले साल ये ओपनिंग हो जाएगा 111 655, अब इसके ऊपर निकालो इंटरेस्ट कॉस्ट, कितना इंटरेस्ट था, 12%, 12% था ना, 13399, 13399। अब सबको टोटल करो, टू फाइव जीरो 108, फिर अगले साल 250 108, इसका फिर निकालो 12%, 300 13, 420 182। बोलो बच्चों, एक काम करो ना, रुक जाओ, चौथे साल का मंथ निकालो, प्लीज मत निकालो,
मंथ निकालो, फोर्थ ईयर का मत करिए प्लीज, ठीक है ना। अब मुझे बताओ हर साल इंटरेस्ट कॉस्ट की एंट्री क्या करोगे, और करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट की हर साल एंट्री क्या करेंगे अपन? करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट ये आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, बोलो, टू प्रोविजन फॉर डीबीओ पहले साल में एंट्री 111655, इधर कुछ भी नहीं 111655, सेकेंड ईयर में एंट्री 125054, 13399, इधर जो भी आएगा अमाउंट। वन 38453 ऐसे करके अपन एंट्री करते जाएंगे। गाइस समझ में आएगी नहीं? हाँ नोट करना है क्या इतना? जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो प्लीज इसको। हाँ जी बेटा, आप अब ऐसा सोचो कि आप जो एंट्रीज कर रहे हो 3 साल तक आप ये एंट्रीज करोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने यहाँ तक एंट्रीज कर ली 3 साल तक, तीसरे साल का भी बता दो मुझे कितना आ रहा है। 170। आपने सोचो यार क्या हो रहा है सब, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, आपने फर्स्ट ईयर की एंट्री की, सेकंड ईयर की एंट्री की, थर्ड ईयर की एंट्री की, ऐसा करते 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 आपका पीवी डीबीओ कितना हो गया, ये आपका प्रोविजन फॉर डीबीओ कितना हो गया आपका, ये इट इज नथिंग, इट इज जस्ट 420182, यही वाला है ना, ये वाला हो गया होगा ना 420182, ये ऐसा हो गया होगा। अब सोचो बेटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं और ये वाली तक यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसका मतलब यही चीज़ ओपनिंग में आके यहाँ पर आ रही है, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, हुआ क्या, अब है मुद्दे वाली बात, हुआ ये कि इन द फोर्थ ईयर एक्चुरियल अजम्पशंस चेंज्ड। क्या क्या चेंज हो सकता है? डिस्काउंट रेट और सैलरी एस्केलेशन, इसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितना एक्सपेक्ट किया था उतने ना हो, कुछ और हो, ज्यादा हो कम हो, तो डिस्काउंट एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो गए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल अजम्पशन चेंज हुआ आपका डिस्काउंटिंग रेट पे, क्या चेंज हुआ? डिस्काउंटिंग रेट हो गया 10%, जबकि डिस्काउंटिंग रेट था कितना पहले? पहले कितना था? 12%, डिस्काउंटिंग रेट 10% हो गया। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? अब होता क्या है, जब डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया ना या एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली पता है क्या करता है? एक्चुअली पूरी वर्किंग रिवाइज करता है पहले दिन से,
पहले दिन से वो पूरी वर्किंग रिवाइज करता है। देखना पहले दिन से हमने क्या किया था, स्टेप नंबर वन क्या थी, टोटल एस्टिमेट बेनिफिट, ये तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि डिस्काउंट रेट चेंज हुआ है, इसमें कोई डिस्काउंट रेट का रोल नहीं है। दूसरी स्टेप क्या थी, 175,692, इसका भी चेंज, इसका भी कोई रोल नहीं है, ये भी वही रहेगा। बट ये वाली जो स्टेप है ये चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने इसको डिस्काउंटिंग की थी, याद है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसी फिगर्स की डिस्काउंटिंग वापस से किस पे करनी है, 10% में। रुक जाओ, मत करो, मैं आपको जो समझा रहा हूं उस पे ध्यान दो। आपको इसी फिगर्स की डिस्काउंटिंग किस पे करनी चाहिए, 10% पे। 10% पे जब डिस्काउंटिंग करोगे तो ये सारे अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ये सारे अमाउंट चेंज हो जाएंगे, नहीं, जैसे ये सारे अमाउंट चेंज हो जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा हर साल का, बोलो बेटा। और अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज हो जाएगा तो सोचो आपका जो ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और ओपनिंग बैलेंस क्या आना चाहिए वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ, ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है और ओपनिंग बैलेंस क्या आना चाहिए, ये चेंज होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, मान लीजिए ड्यू टू दिस प्रोविजन फॉर डीबीओ एट फोर्थ ईयर बिगिनिंग शुड बी अभी कितना है शुड बी 4,30,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन शुड बी 4,32,000, ये होना चाहिए। बोलो बच्चों क्या होना चाहिए, 432 होना चाहिए। अब मुझे बताओ है कितना, 420,182। आई कैन नॉट चेंज माई ओपनिंग बैलेंस, मुझे ओपनिंग बैलेंस, मैं ओपनिंग बैलेंस को मिटा के मैं कुछ और नहीं डाल सकता ना, वो तो ऑडिटेड बैलेंस है ना। हाँ, बट ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करके मैं 432 पे ला सकता हूं, मैं पहले ही दिन एक एंट्री पास करूं ताकि मेरा ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाए। बताओ मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है कि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअरियल लॉस, लायबिलिटी बढ़ रही है। और अगर यहीं पे 4,10,000 हो जाता, लायबिलिटी कम हो जाती तो एक्चुअरियल गेन। तो अब मैं एक नई चीज बुक करूंगा यहां पर, अब मैं एक नई चीज बुक करूंगा यहां पर, और वो भी बस यहां पर बुक करूंगा, इधर प्लस माइनस एक्चुअरियल गेन ऑब्लिक लॉस। हमारे केस में क्या आ रहा है, हाँ बताइए कितना आ रहा है, 11,818, ये वाला आ रहा है एक्चुअरियल लॉस, लॉस आ रहा है ना, जिससे क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई। और ये किस दिन पे एंट्री हुई, ये एंट्री किस दिन पे कही मैंने, 1/4 पे। अब बताओ मेरी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी हो चुकी है, 432। अब मेरा 432 के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगा। अब इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो रिवाइज हो जाएगा क्योंकि फोर्थ ईयर से मेरा डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, तो 432 के ऊपर मेरा क्या, 10%, 432 के ऊपर 10% निकलेगा, कितना, 43,200। समझ में आया कि नहीं, 43,200। गाइस क्लियर, पक्का बेटा क्लियर है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअरियल लॉस। क्या एंट्री बुक करेंगे, चलो एंट्री करो, एक्चुअरियल लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, कितना, नहीं, 11,818, सॉरी मैं इसकी एंट्री नहीं, इसकी एंट्री होगी, ठीक है, 11,818। अरे बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, गाइस क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? अब ये एक्चुअल गेन लॉस कहाँ डालेंगे, पीएनएल में, अगर इंडेक्स होता तो कहाँ डालते, ओसीआई में। एक बार देख लीजिए इसको,
ठीक है गाइस, बोलो बच्चों हो गया क्लियर है? एक्चुअल गेन लॉस कब होता है, कब होता है? जब आपका एक्चुअल अजम्पशंस चेंज हो। ऊपर आपके प्लान असेट में कब हुआ था? क्योंकि हम अपनी प्लान असेट को क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू पे बुक कर रहे थे, तो इसलिए हुआ था। आई बातें समझ में? दोनों दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा हाँ जी गाइस, चलिए नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज AS 16। AS 15 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं, वो एक बार कर लीजिएगा आप। अब हम आते हैं AS 16 बोरिंग कॉस्ट पे। ये बहुत छोटा स्टैंडर्ड है बट इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, AS 16 बोरिंग कॉस्ट, AS 16 बोरिंग कॉस्ट, AS 16 बोरिंग कॉस्ट। ओके, इसका इंडेक्स कौन सा बेटा? 23। इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से। राइट, बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? बोरिंग कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट। कौन सी चीज आती है बेटा? इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट। ठीक है, एक एएस ने एक एक्सक्लूसिव लिस्ट बनाई हुई है बोरिंग कॉस्ट के लिए, एक्सक्लूसिव लिस्ट, कि वो जो पांच चीजें होंगी ना, ये पांच चीजें आपकी बोरिंग कॉस्ट होंगी। एएस ने पांच चीजों का एक्सक्लूसिव लिस्ट बनाया है। पहला पहला इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट्स। पहला, सबसे पहला, इंटरेस्ट आपका हमेशा बोरिंग कॉस्ट होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म डेट्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट्स हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? चाहे वो शॉर्ट टर्म डेट्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट्स हो। दूसरा, अगर एंटरप्राइज कोई एंसिलरी कॉस्ट बियर करती है, अगर एंटरप्राइज कोई एंसिलरी कॉस्ट बियर करती है, कौन सी कॉस्ट बेटा? एंसिलरी कॉस्ट बियर करते हो, अगर आप एंसिलरी कॉस्ट बियर करते हो, एंसिलरी कॉस्ट मतलब क्या? फंड्स को बोरो करने के चक्कर में कोई भी रिलेटेड कॉस्ट बियर करते हो, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज, तो उसको अमोर्टाइज करोगे हर साल, और हर साल का जो अमोर्टाइज पार्ट होगा उसको क्या मानोगे? बोरोइंग कॉस्ट। उसको बोरोइंग कॉस्ट मानोगे। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? नेक्स्ट, अगर आप डिस्काउंट और प्रीमियम पे करते हो, अगर आप डिस्काउंट पे करते हो, प्रीमियम पे करते हो ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस डिस्काउंट और प्रीमियम के अमोर्टाइज पार्ट को भी बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ओके, ठीक है बेटा। चौथा, जो हमने एएस 19 पढ़ा था, तो एएस 19 में लेसी की बुक्स में जो फाइनेंस लीज होता है ना, उसको भी बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। लेसी की बुक्स में जो फाइनेंस कॉस्ट होता है उसको भी क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट। लेसी की बुक्स में फाइनेंस कॉस्ट, अगर फाइनेंस लीज है तो, ऑपरेटिंग लीज में तो कुछ होता ही नहीं है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी लोन टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, बोरोइंग कॉस्ट इज इक्वल टू, बोरोइंग कॉस्ट इज इक्वल टू लोअर ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट और सेविंग इन इंटरेस्ट और एक्चुअल एक्सचेंज लॉस,
सेविंग इन इंटरेस्ट और एक्चुअल एक्सचेंज लॉस, एक्चुअल एक्सचेंज लॉस। बोलो बेटा क्लियर हो गया, जल्दी बोलो क्लियर हुआ। क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ $10,000। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। $10,000 ऑन 1/4/2003 फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पेबल एनुअली, 5% पेबल एनुअली। फिर से बोल रहा हूं, $10,000 का लोन है, 1/4 में लिया 5% का इंटरेस्ट पे करने के लिए। और अच्छा, ये लोन कहां से लिया? फॉरेन करेंसी में, यूएस में। अप्रैल 2003 में एक्सचेंज रेट वॉज 45 पर डॉलर, 31 मार्च 2004 को एक्सचेंज रेट वॉज 48 पर डॉलर। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, बताओ तुमने लोन लिया है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तुम्हारा नुकसान कि तुम्हारा फायदा? नुकसान, 3 रुपए का। द करेस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय एक्स लिमिटेड। अगर ये तुम इंडिया से लेते लोन तो तुम्हारा नुकसान नहीं होता। कितने में लोकल करेंसी में लोन मिल जाता? तो 11% में भी तो मिलता, 11% में भी तो मिलता पहले, जबकि मैंने बाहर से लिया तो कितने में लिया है? 5% पे। तो सोचो, बाहर जाने पर इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है जबकि एक्सचेंज लॉस भी हो रहा है, तो हमें बोरिंग कॉस्ट निकालना है। बेटा सामने आइएगा, सामने आइएगा। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट एक्चुअल इंटरेस्ट। बता सकते हो क्या बेटो, एक्चुअल इंटरेस्ट निकाल के दे सकते हो क्या मुझे? एक्चुअल बेटा, एक्चुअल जो एक्चुअली फॉरेन करेंसी वाला है, इंडिया वाला नहीं चाहिए, इंडिया वाला तो सपनों वाला है। 500 इंटू रेट कौन सा लगाएंगे, 45 की 48, ईयर एंड पे रेट तो ईयर एंड का लगेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, $10,000 इंटू 5% इज इक्वल टू $500 इंटू 48, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा ईयर एंड पे, तो ये लगेगा 24,000। बोलो बच्चे, बोलो। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट सेविंग इन इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट की सेविंग कितनी निकली, इंटरेस्ट की सेविंग कितनी निकली है? अगर मैं ये लोन इंडिया से लेता तो पहली बात तो इतने का लोन होता, इतने का 4.5 लाख का, $10,000 इंटू 45 उसी दिन, और इसके ऊपर 11% का इंटरेस्ट लगता, तो इंटरेस्ट आता 49,500। और अभी मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट आया है 24, तो सेविंग हो गई 25,500 को क्या बोलेंगे, सेविंग, बोलो ना। अच्छा, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, बोलो स्टेप नंबर थ्री, कैलकुलेट एक्सचेंज लॉस। आई थिंक $10,000 पर 3 रुपए, 30,000। अब निकालो स्टेप नंबर फोर, बोरिंग कॉस्ट। एक तो आपकी बोरिंग कॉस्ट है 24,000 प्लस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, किसमें से 25,500 और 30,000,
बताओ विच एवर इज लोअर क्या? हाँ 25,500, ये 30 नहीं, तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया? 24 प्लस 25,500 कितना हो गया? 49,500 तुम्हारी टोटल बोरोइंग कॉस्ट हो गई, टोटल बोरोइंग कॉस्ट हो गई। ये बीसी का फुल फॉर्म बोरोइंग कॉस्ट होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ एस 11 के अकॉर्डिंग बाकी एक्सचेंज लॉस कितना बचेगा जो एस 11 के अकॉर्डिंग आपके पीएनएल में जाएगा? एस 11 के अकॉर्डिंग आपके पीएनएल में जाएगा, जल्दी बोलो। 4,500 आपके पीएनएल में जाएगा, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो, बोलो 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 बोलो, क्लियर हुआ बेटा? ये हो गया, ये आपका होमवर्क, आपका होमवर्क, छोटा सा केस है इसी का, 132 का ही केस है, ठीक है जी बेटा। एस 11 के प्रोविजन में एक्सचेंज लॉस ये ऐसे आया ना, तुम्हारा एक्सचेंज लॉस 30,000 था, तुम्हारा एक्सचेंज लॉस 30,000 का था, उसमें से तुमने 25,500 जो किया, ये विच एवर इज लोअर, उसको तुमने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया, तो 4,500 तुम्हारा पीएनएल में जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? क्लियर, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कभी भी तुम इक्विटी डिविडेंड को बोरोइंग कॉस्ट नहीं बोलोगे, कभी भी तुम इक्विटी डिविडेंड को बोरोइंग कॉस्ट नहीं बोलोगे। हां प्रेफरेंस डिविडेंड को बोल सकते हो, अगर तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो। सर मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स अगर तुम्हारा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अरे सीधी बात है, अगर वो रिडीमेबल है, वो कन्वर्टेबल नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब वो तुम्हारा इक्विटी का पार्ट नहीं है, मतलब वो एक तरीके से तुम्हारी लायबिलिटी है, तो वो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो लायबिलिटी है, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड दोगे वो भी तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट होगा। आई बात समझ में? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब पढ़ाऊंगा ना उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है कि एक इक्विटी होता है, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है। मैंने तेरे को पैसा दिया, मैंने तेरी कंपनी में पैसा लगाया, अब तू उस पैसे को जो मैंने डाला है तो उस पैसे को किस नजरिए से देखता है? तू उसको इक्विटी देखता है कि तू उसको लायबिलिटी देखता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि तेरी लायबिलिटी, तू मुझे पैसे वापस करेगा, और इक्विटी देखता है मतलब तू मुझे पैसे वापस नहीं करेगा, मतलब तू एक ऐसा शेयर होल्डर की तरह मुझे देख रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है डिपेंड करता है कि वो कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है। अगर वो नॉन कन्वर्टेबल है मतलब उसको पैसा वापस देना ही देना है, और अगर उसको पैसा वापस देना ही देना है तो एक तरीके से वो भी तो लोन है, और अगर वो भी लोन है तो उसके ऊपर दिया जाने वाला डिविडेंड वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो बोरिंग कॉस्ट है। वो तब जब प्रेफरेंस कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी हो, लिखा तो है, जब हम प्रेफरेंस शेयर को लाइबिलिटी क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उनका जो डिविडेंड होगा वो बोरिंग, हाँ इन केस ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है गाइस क्लियर है कि नहीं? क्वालिफाइंग असेट, अब ये सारी चीजें आपके आईपीसीसी इंटरमीडिएट का है तो मैं जल्दी जल्दी अभी डिस्कस करते जा रहा हूं। क्वालिफाइंग असेट, क्वालिफाइंग असेट मतलब ऐसी कोई भी असेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, जो जनरली 12 महीने या उससे ज्यादा पीरियड का टाइम लेती है रेडी होने में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड और इट कैन बी सोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग असेट में पीपीई भी आ जाएगा,
क्वालिफाइंग असेट में इंटेंजिबल भी आ जाएगा, क्वालिफाइंग असेट में आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगे अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया गया है तो। अगर इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया गया है तो आपका वो क्वालिफाइंग नहीं होगा, और क्वालिफाइंग असेट में आपका इन्वेंट्री भी आ सकता है एक्सेप्शनली। इन्वेंट्री जनरली, इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग असेट नहीं होती है, क्योंकि इन्वेंट्री जनरली 12 महीने से कम पीरियड में बन जाती है और वो रिपीटेटिव बेसिस पे बनती है। कौन से बेसिस पे बनती है? रिपीटेटिव बेसिस पे बनती है। पर जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री जैसे है आपका लिकर, नाउ टू सेल द लिकर इट इज टू बी स्टोर्ड फॉर 5 years, 8 years, 10 years। कभी देखा है दारू की बॉटल पे लिखा होता है 8 years, दारू की बॉटल पे लिखा होता है 8 years, 15 years। जितनी पुरानी दारू उतनी महंगी, पता है तेरे को? तेरे को नहीं पता है? जितनी पुरानी दारू उतनी महंगी, उतनी टेस्टी, ठीक है। हाँ, तो क्वालिफाइंग असेट वो असेट विच टेक्स सब्सटेंशियल टाइम मींस मोर देन, जनरली अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 months। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू चेक ऑलवेज मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 months। Sometimes a period of 6 months may also be considered as substantial period of time. That totally depends on the business and nature of business. ठीक है? अच्छा, qualifying asset हो गया. Recognition. एक बात बताओ. तुमने borrowing cost incur किया. ये borrowing cost किस पर incur किया तुमने? तुमने funds borrow किया. बोलो ना. तुमने फंड्स बोरो किया, उस पर तुमने क्या इनकर किया? बोरिंग कॉस्ट। अगर ये बोरिंग कॉस्ट तुमने इसलिए इनकर किया है क्योंकि तुम्हारा एसीपी हो रहा है, एसीपी, उस सीआईडी वाला एसीपी नहीं, एसीपी, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन। अगर तुम्हारे बोरोड फंड्स क्वालिफाइंग असेट के एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन में काम आए हैं, क्वालिफाइंग असेट के एक्विजिशन प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन में काम आए हैं, तो तुम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। बताओ बेटा, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कब किया जाएगा? बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कब किया जाएगा? जब बोरोड फंड्स आर यूज्ड फॉर, आर यूटिलाइज फॉर एसीपी ऑफ क्वालिफाइंग असेट, एक्विजिशन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? और अगर दे आर नॉट यूज्ड, बोरोड फंड्स आर नॉट यूज्ड फॉर एसीपी, नाउ टेल मी पीएंडएल। जैसे जनरली जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है सीसी, वो तो स्टॉक पे लिया जाता है, और सीसी का मेन पर्पस क्या होता है? अपने रूटीन बिजनेस में लाना, उससे आप कभी असेट थोड़ी खरीदते हो, मैक्सिमम केसेस में असेट नहीं खरीदते। तो सीसी के ऊपर दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो हम पीएनएल में डालते हैं हमेशा, हम उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं। समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है, ये हो गया आपका रिकॉग्निशन। अब बेटा तीन बातें, कमेंसमेंट, सस्पेंशन, सेसेशन। कमेंसमेंट, सस्पेंशन, सेसेशन। कमेंसमेंट, सर बोरिंग कॉस्ट किस दिन से कैपिटलाइज करेंगे? बोरिंग कॉस्ट किस दिन से कैपिटलाइज करेंगे? देखना तो क्या लिखा हुआ है, बोरिंग कॉस्ट किस दिन से कैपिटलाइज करेंगे, जल्दी बताओ। तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है ना, किस दिन से करोगे? जिस दिन ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक बात बताओ, मैं बैंक से लोन लेके आया, मैं बैंक से आज के दिन लोन लेके आया, है ना? आज है 14 फरवरी, दिन भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना? मंदिर जाना चाहिए आज के दिन। 14 फरवरी के दिन मैं बैंक से लोन लेके आया, बैंक से लोन लिया भाई, ठीक है ना? लोन लिया, बैंक ने पहले दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट का मीटर ऑन। पर मैंने बोरोड फंड्स को 3 महीने तक टच भी नहीं किया, आइडल रखा, बहुत पैसा है अपने पास, बात समझ आएगी नहीं? क्या बहुत पैसा है अपने पास, टेंशन नहीं है, बोलो जल्दी बोलो। मैंने टच भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या मैं बोरोइंग कॉस्ट जो 3 महीने का इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज करूं?
No, because the borrowed funds are still not yet used for ACP of qualifying asset. चलो मैंने पहले दिन से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, बोलो बेटा मैंने पहले दिन से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। मैंने 10 करोड़ का बोरोइंग किया, उसमें से मैंने 8 करोड़ पहले दिन ही यूज कर लिए क्वालिफाइंग असेट में। बोलो बेटा सर कहां यूज किए? मैंने ना कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया, मैं तो असेट बनवा रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर से, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया। एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, पहली पॉइंट पढ़ो क्या है, पहली पॉइंट पढ़ो क्या है, क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट शुड हैव बीन इनकर्ड। एक्सपेंडिचर होना चाहिए क्वालिफाइंग असेट के ऊपर, मैंने 8 करोड़ का अपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया। दूसरा क्या लिखा है? बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट भी होनी चाहिए, हाँ बच्चे बैंक चार्ज कर रहा है। तीसरी पॉइंट क्या लिखी हुई है? नेसेसरी एक्टिविटीज शुड बी इन प्रोग्रेस, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड इन प्रोग्रेस। उससे पूछा कॉन्ट्रैक्टर से, ओ कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू किया? उसने अभी तेरा काम हुआ ही नहीं है शुरू, तेरा कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। नेसेसरी एक्टिविटीज आर नॉट येट स्टार्टेड, स्टिल आई विल नॉट कैपिटलाइज माई बोरिंग कॉस्ट। आई बात समझ में कि नहीं? जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो मैं अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं, बोलो ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कब करोगे? बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड मतलब टेम्पररी रोकोगे कब? कैपिटलाइजेशन से। तुम कैपिटलाइज करते जा रहे हो, जनवरी का ब्याज आया कैपिटलाइज किया, फरवरी का इंटरेस्ट आया कैपिटलाइज किया, मार्च का इंटरेस्ट आया कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज हर महीने करते जा रहे हो। कौन से टाइम पर तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे? जब तुम्हारी जो एक्टिविटी चल रही थी कंस्ट्रक्शन एसीपी वाली वो इंटरप्ट हो जाए। क्या हो जाए? हाँ बोलो, इंटरप्ट हो जाए। व्हेन द नेसेसरी एक्टिविटीज आर बीइंग इंटरप्टेड, बट सच इफ सच इंटरप्शन इज नेसेसरी पार्ट फॉर द एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग असेट। वो इंटरप्शन जानबूझ के किया है ताकि एक्टिवली डेवलप किया जा सके क्वालिफाइंग असेट को, तो फिर सस्पेंड नहीं करोगे। सस्पेंड कब करोगे? जब कोई बेवजह की डिले हो रही है जो इग्नोरेबल है, तो इग्नोरेबल डिले के केस में तुम इंटरेस्ट को पेंडल में ले जाओगे, उतने पोर्शन तक तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे। अच्छा यहां पर एक वर्ड यूज किया गया एक्सटेंडेड पीरियड, देखना कहीं है क्या, कहीं लिखा है क्या एक्सटेंडेड पीरियड? एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब, अरे भाई टेम्पररी डिले कुछ पीरियड की होनी चाहिए। दो चार दिन की टेम्पररी डिले हुई तुम बोलोगे दो चार दिन का मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। टेम्पररी डिले हुई है मान लो महीने दो महीने की, है ना, तो तुम उसको कैपिटलाइज मत करना। समझ में आया कि नहीं? इट इज कॉल्ड सस्पेंशन, फिलहाल रोक देना। लास्ट है सेसेशन। सेसेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉप, व्हेन यू नीड टू स्टॉप द कैपिटलाइजेशन, मतलब तुम बोरिंग कॉस्ट को फाइनली कब कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे, कब करोगे? व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, जब तुम्हारी सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। और मान लो तुम्हारी एक्टिविटीज पार्ट्स पार्ट्स में कंप्लीट होती हैं, फिर अगर वो पर्टिकुलर पार्ट कैपेबल है सेपरेटली यूज होने के लिए तो आप उस पार्ट के लिए सेसेशन कर सकते हो, बाकी डिफरेंट पार्ट्स के लिए आप सेसेशन नहीं करोगे, आप कंटिन्यूअसली बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते जाओगे। बेटा समझ में आए बात की नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा अगर तुमने बोरोड फंड्स को टेम्पररी पीरियड के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, क्या करोगे? बोरोड फंड्स को टेम्पररी पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया था, क्या करोगे? वहां से तुम्हें इनकम आई होगी, इनकम जनरेट हुई होगी। अरे बोलो बेटा पीछे, तुम्हें वहां से इनकम जनरेट हुई होगी, उस इनकम का क्या करोगे? उस इनकम को पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उस इनकम को टोटल बोरिंग कॉस्ट से लेस करोगे, फिर तुम बोरिंग कॉस्ट का जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है वैसा करोगे, इनकम को सेपरेटली बुक नहीं करोगे, बोरिंग कॉस्ट से लेस करोगे। समझ में आई बात की नहीं? अरे बोलो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। दो टाइप की बोरिंग्स होती हैं, कौन कौन सी दो टाइप की बोरिंग्स होती हैं? स्पेसिफिक बेटा लिखा है, स्पेशल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? स्पेसिफिक। और दूसरा क्या लिखा है? जनरल। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या है? एक बोरिंग एक असेट के लिए, दे आर डेफिनेटली अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन बोरिंग एंड असेट, लिख लेना साइड में, वन टू वन रिलेशनशिप, देयर शुड बी अ वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। एक मशीन एक बोरिंग, एक बिल्डिंग एक बोरिंग,
बताओ स्पेसिफिक बोरिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा? सर जितना भी बोरिंग कॉस्ट निकलेगा वो उसी स्पेसिफिक असेट में जाके कैपिटलाइज हो जाएगा, अगर करना हुआ तो, अगर वो कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाई हुई तो। जबकि एक होती है जनरल बोरिंग। सर जनरल बोरिंग क्या होता है? वन टू मैनी या मैनी टू मैनी? वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। नाउ दिस व्हाट इज दिस वन टू मैनी और मैनी टू मैनी? व्हाट इज दिस वन टू मैनी और मैनी टू मैनी? बहुत सारे लोन, बहुत सारे असेट्स। कौन सा पैसा किससे यूज किया है, किस में यूज किया है, वी कैन नॉट जज। आई बात समझ में नहीं? या फिर एक लोन एक से ज्यादा असेट्स, एक लोन से मैं बहुत सारी असेट्स परचेस कर रहा हूं। वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, तीन चार लोन है, तीन चार आपके असेट्स है। बेटा बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे केस में क्या करोगे? नहीं बेटा, प्रोपोर्शनेटली नहीं। ऐसे केस में क्या करोगे इस जनरल बोरिंग में? यहीं से तो अपना मेन AS 16 स्टार्ट हो रहा है। अब तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके, यहां से तो इंपॉर्टेंट है। अब मेन AS 16 का फंडा यहां से तो इंपॉर्टेंट है। यहां से आप यहां जनरल बोरिंग्स के केस में बहुत सारी बोरिंग्स होंगी, कुछ 10% वाली, कुछ 12% वाली, कुछ 15% वाली, बहुत सारे एक्सपेंडिचर की होंगे, एक लैंडल बिल्डिंग पे, एक दूसरा आपका मशीन पे, एक फैक्ट्री में। तो आप क्या करोगे, इतने सारे लोन्स का एक वेटेड एवरेज बोरिंग रेट निकाल लोगे। क्या निकालोगे? वेटेड एवरेज बोरिंग रेट, 10% 12% 15% वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज बोरिंग रेट निकालोगे। क्या निकालोगे? हाँ, फॉर्मूला लिखो वेटेड एवरेज का। टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। दिस इज योर वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। अब ये वेटेड एवरेज बोरिंग रेट लगाओगे किसके ऊपर? रेट निकल गया मान लो तुम्हारा 11%। अब इस 11% का क्या करोगे? क्वालिफाइंग असेट के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर हुआ है ना, उस एक्सपेंडिचर में इनटू कर दोगे। तो कैपिटलाइजेशन कैसे होगा? कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग असेट इनटू वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। ये तुम्हारा कैपिटलाइजेशन होगा जाएगा इस तरीके से। ये तुम्हारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्लियर है कि नहीं? पक्का? आइए बेटा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बुक निकाली। क्वेश्चन बुक निकालो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 मजेदार क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 134 हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? ये कुछ बोला आपने? कान मेरे बहुत बड़े हैं। सॉल्व थोड़ी करवाने वाला हूं मैं, पढ़ना है बेटा। तीन लोन है, डिमांड लोन, टर्म लोन, बॉन्ड्स। तीन लोन है, डिमांड लोन, टर्म लोन, बॉन्ड्स। तीन क्वालिफाइंग असेट्स हैं, स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड, प्लांट एंड मशीनरी और अदर फिक्स्ड असेट्स।
तीन क्वालिफाइंग असेट्स हैं, तीन लोन है, मैनी टू मैनी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, डिमांड लोन जो मैंने लिया था वो एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट को अक्वायर करने के लिए। कौन सी फिक्स असेट नहीं बताया, कौन सी फिक्स असेट नहीं बताया, तो मैं लाइट साइड में लिखूंगा जीबी, जनरल बोरिंग। दूसरा टर्म लोन, एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एसबी, स्पेसिफिक बोरिंग। और एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट जीबी, जनरल बोरिंग। क्लियर बेटा? अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऊपर डाल दो, अज्यूम कैलेंडर ईयर, अज्यूम कैलेंडर ईयर, अज्यूम कैलेंडर ईयर। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, आओ पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन नहीं नहीं, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने से पहले कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, पहले बोरिंग कॉस्ट तो बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितनी है। पहला लोन कौन सा है बेटा, नाम बोलो, डिमांड लोन। हमने अज्यूम क्या किया है, कैलेंडर ईयर। चलो निकालो इसका बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट निकालो, हाँ बोरिंग कितनी है, 60 लैक्स कि 16 लैक्स, 60 लैक्स का रेट क्या है, 15% पूरे साल भर का कितना आया, 9 लैक्स प्लस कुछ चार्जेस भी तो हुए, इंसिडेंटल चार्जेस, 8.33% ऑफ 60 लैक्स कितना, 499, तो 5 लाख मान ले क्या राउंड ऑफ में, हाँ सर मान लो 14 लैक्स, 14 लैक्स आपका ये आ गया, 14 लैक्स बोरिंग कॉस्ट। बेटा ये कौन सी वाली बोरिंग है, जनरल, दूसरा वाला निकालो, टर्म लोन, दूसरा वाला निकालो बेटा जल्दी, टर्म लोन नहीं, लोन कितना है बेटा, लोन कितना है, 40 लाख, कितना परसेंटेज, 14.5, कितना आया, 5,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 290, 6 मंथ्स प्लस आपका चार्जेस भी लगे इंसिडेंटल, 40 लाख का 5%, 2 लाख, 4,90,000। ये कौन सी बोरिंग है, स्पेसिफिक। तीसरा बॉन्ड्स कौन सा है, जनरल निकालो, कब लिया था, कब लिया था, हाँ 1st अक्टूबर बोलो क्या है, हाँ नहीं, लोन का वैल्यू 50 लैक्स इंटू रेट 14% इंटू 3/12 175 प्लस, हाँ कितना आया, 4 लैक्स 8% वाला, 5,75,000। ये आ गया तुम्हारा बोरिंग्स बेटा, ये तीन तीन बोरिंग्स आ गई। तीन तीन बोरिंग्स आ गई, अब क्या निकालेंगे, बोरिंग रेट, वेटेड एवरेज
बोरिंग रेट, क्या फॉर्मूला था? टोटल बोरिंग कॉस्ट, जनरल वाली याद रखिएगा, स्पेसिफिक वाली नहीं। तो बताओ जनरल वाली कौन कौन सी है? एक है सर 14 लैक्स और दूसरी 575। ओनली जनरल डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या था? टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। बताओ पहली वाली बोरिंग कितनी है? 60 लैक्स। ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रही? इंटू 12/12 प्लस तीसरी वाली बॉन्ड कितना है? हाँ? ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? तो इंटू 3/12 होल इंटू 100 करो, होल इंटू 100 होल इंटू 100 होल इंटू 100 27.24 बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या निकल गया? वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। अभी आएगा मजा, अब करेंगे अपन कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जी, कोई डाउट है? कैपिटलाइजेशन पहला बोलो, पहले कौन सी मशीन, पहले कौन सी असेट है? स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड, SMS। स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड कितना पैसा लगाया? हाँ? 10 लाख। डेट कब कौन सी है? डेट किस डेट पे लगाया? डेट नहीं दी, बस यही मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। डेट नहीं दी ना, क्या करें, मजबूर है, पूरे साल भर का करना पड़ेगा। इंटू 27.24 क्वेश्चन ऐसा अगर आया कि डेट दी हुई है तो इंटू टाइम फैक्टर, इंटू टाइम फैक्टर करना पड़ेगा, याद रखना। डेट नहीं दी हुई ना तो मैं मान लिया कि पूरे साल भर का लगेगा, पर अगर इसने बोला होता कि मैंने स्टर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड के ऊपर 10 लाख जो रुपए लगाए हैं वो जून में लगाए थे, 1 जून को लगाए थे, तो 10 महीने का बुक होगा। ओ सॉरी, कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है, हाँ जून में लगाए थे तो 7 मंथ्स का होगा। पर अगर ये बोले कि 10 लाख में से मैंने 5 लाख मैंने जनवरी में लगाए और 5 लाख मैंने जुलाई में लगाए, एक के ऊपर 12 महीने का लगेगा, एक के ऊपर 6 महीने का लगेगा, समझो ना बेटो, समझे? निकालो 272400, ऊपर हेडिंग डालो जनरल और स्पेसिफिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितना पैसा लगा? 90। सबसे पहले कहां से लगा होगा? दो हिस्से करो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से कितना लगा? 40। 40 का तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट निकला हुआ रखा है, हाँ? तो ये देखो 490 कहां लिख रहा हूं, स्पेसिफिक वाले कॉलम में। अब तुम्हारा आउट ऑफ जनरल कितना हुआ? 50 करो, 50 के ऊपर 27.24 13,62,000। अरे बोलो क्लियर गाइस, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स, अदर फिक्स्ड असेट्स बोलो कहां से हुआ? जनरल, तो इसके ऊपर 272400। अब टोटल करो, ₹19,06,800 तुमने कैपिटलाइज किया है, पता है? जबकि तुम्हारा टोटल जनरल बोरिंग कितना हुआ था, बोरिंग कॉस्ट कितनी थी?
कैपिटलाइज्ड, तुम्हारी टोटल जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी? जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी थी? 14 लाख और 575, 1975. तो 1975 में से 1906 800 तुम्हारा कैपिटलाइज हो गया. पीएनएल में जाएगा. समझ में आया कि नहीं? 68,200 आपका जाएगा पीएनएल में. क्लियर? गाइस क्लियर है कि नहीं? चलो, ये क्वेश्चन कौन सा था? 135 पे आ जाओ. 135. और भाई कैसा है? बढ़िया. 135 निकाल. एक्स लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग. देखो ये एक बिल्डिंग की बात कर रहा है, ये मैनी मतलब इतनी सारी असेट्स की बात नहीं कर रहा है, ये एक बिल्डिंग की बात कर रहा है. कब से शुरू किया? 1 जनवरी से. कब? कितना लोन लिया? 1 लाख रुपए का. बताओ बस, 1 लाख का ही लोन मिला इसको. स्पेशल लोन, स्पेशल मतलब स्पेसिफिक लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी को ही उसने लोन ले लिया. अच्छा, कितने के ब्याज पर? 10% पर. तो 1 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 10,000. और वो पहले दिन से ही लगा दिया तो 10,000 पूरा का पूरा क्या करेंगे? कैपिटलाइज. अच्छा आगे बढ़ते हैं. द कंपनी इज आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक बोरिंग. अच्छा, कुछ जनरल बोरिंग भी है. कौन सी है बेटा? डेट दी हुई है क्या? पिछले क्वेश्चन की तरह डेट दी हुई है क्या? डिमांड लोन की डेट दी हुई थी, टर्म लोन की डेट दी हुई थी, यहां डेट नहीं दी. मान लो पूरे पूरे साल भर रहा तो निकालो, वेटेड एवरेज निकालो. 5 लाख का 11% 55 प्लस 9 लाख का 13% 1,17,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 14, दोनों को 12 बाय 12 ही करना पड़ेगा. ट्वेल्व पॉइंट टू नाइन परसेंटेज आ गया आपका वेटेड एवरेज बोरिंग रेट. बोलो बच्चों. हाँ, अब बताओ उसने खर्चा कब कब किया है? पहला खर्चा, अरे बोलो यार, 1 जनवरी को कितना खर्चा किया? उसमें से माइनस करो स्पेसिफिक लोन 1 लाख, बचा कितना? 1 लाख के ऊपर 12.29 इंटू 12 बाय 12. मान लेंगे कि पहली जनवरी को किया होगा, सारे खर्चे फर्स्ट को किए होंगे. अरे बोलो कितना आया? 12,290. दूसरा, 2.5 लाख के ऊपर 12.29% इंटू 9 बाय 12 अप्रैल. सर 12 क्यों बेटा? मार्च एंडिंग नहीं है, ये वाली वो है, क्या बोलते हैं, दिसंबर एंडिंग है. निकाल लो कितने कितने आ रहे हैं. ये कितना आएगा? 230 44 नेक्स्ट 27. हाँ नेक्स्ट. हाँ थोड़ा तेज. 1229. बस टोटल कितना हुआ?
64216, ये करेंगे आपका कैपिटलाइज इंक्लूडिंग 10,000, ये भी होगा कैपिटलाइज, तो टोटल होगा 74216। आपका टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल बोरिंग कॉस्ट, टोटल बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिक और जनरल मिला के 172 + 10 = 182 में से कैपिटलाइज कितना किया 74216, ये किया कैपिटलाइज, कितना आएगा 105784, 107784 कहाँ जाएगा पीएनएल में, 1 लाख आपके ने स्पेसिफिक लोन ले चुके हो तो आप हमेशा मानोगे कि पहले आप स्पेसिफिक लोन यूज करोगे, तो आपने जो 2 लाख रुपए का खर्चा किया है वो पहला 1 लाख रुपए कहां से लेके किया, स्पेसिफिक लोन से, तो जनरल से कितना किया बाकी का 1 लाख, और ये जो रेट निकला ये जनरल बोरिंग रेट होता है, एक्सपेंडिचर कहां से करेगा, लोन लेके करेगा ना, खर्चा करेगा तो पैसा कहां से लाएगा, तो लोन में से लाएगा ना, खर्चा कितना किया 2 लाख, लोन कहां कितना लिया 1 लाख, तो 1 लाख चला गया लोन वहां से, अब और कित और तेरे को खर्चा करना है कहां से करेगा, वो 5 और 9 पड़े, 5 और 9 लाख के लोन रखे ना, बस यही तो लॉजिक है, आया समझ में कि नहीं बेटा, जर्नल एंट्रीज इसमें ऑलरेडी की हुई है, जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी की हुई है बेटा, ठीक है, अरे जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डे नहीं सॉरी टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी अच्छे से, हाँ जी देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2011, पिछले साल तक हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है 7 लाख रुपीस, इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज 37,000 रुपए, तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो, 7,30,000 हमारा असेट के ऊपर खर्चा, 7,30 कैपिटलाइज हो चुका है, पिछले साल हमारी बोरिंग थी 4 लाख रुपए की 15% के ऊपर, अमाउंट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर 11-12, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर अपन ने कितना खर्चा किया, हाँ कितना खर्चा किया 2 लाख, तो प्लस कर दो इसमें 2 लाख, एक्सपेंडिचर किया आपने 2 लाख का, नेक्स्ट कैश पेमेंट ड्यूरिंग 11-12 आउट ऑफ द अबव, मतलब 2 लाख में से 1 लाख का कैश पेमेंट किया और 1 लाख का अभी कैश पेमेंट नहीं किया, अल्टीमेटली खर्चा तो 2 लाख का ही किया ना, तो बस वही होगा, मैंने एक्सपेंडिचर इनकर तो कर लिया ना, लाइबिलिटी तो मैंने अपनी बढ़ा दी ना बेटा, उसमें से मैं लोन से चुकाऊंगा तो सही ना कभी ना कभी, ये है मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, क्वालिफाइंग असेट कितने की बन रही है 2 लाख से, अच्छा प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 5 लाख, बेटा प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव से क्या होगा, तुम्हें पैसा मिल गया इसका मतलब तुम अपने लोन को चुकाओगे, या तुम लोन को नहीं चुकाओगे तो अब से लेकर तुम लोन यूज नहीं करोगे, अब तुम इस पैसे को यूज करोगे, किसी दोनों केसेस में तुम्हारा लोन का ब्याज बचेगा, तो तुम्हारा लोन का ब्याज बचेगा तो -5 लाख, तो अल्टीमेटली तुम्हारा नेट वैल्यू के ऊपर ही कैपिटलाइजेशन होगा, आप ये मत सोचना कि मैंने 5 लाख रुपए को
असेट की वैल्यू से लेस कर दिया। मैं सिर्फ एक ऐसा वैल्यू निकालना चाहता हूं जो वैल्यू मैंने लोन पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, जो मैंने लोन से यूटिलाइज किया है। तो कितना आया? प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव कर दो, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड कितना बचा? 4 लाख। टेक्निकली मैंने करंट ईयर में सिर्फ 430 रुपीज के फंड्स यूटिलाइज किए हैं फॉर फ्रॉम बोरोइंग। लिखो इसको, वी हैव यूटिलाइज 430 फंड्स आउट ऑफ बोरोड फंड्स। वी हैव यूटिलाइज 430 आउट ऑफ बोरोड फंड्स, आउट ऑफ बोरोड फंड्स। ठीक है बेटा, बोलो ना बच्चों। नेक्स्ट, न्यू बोरोइंग कितने की आपने? पुरानी बोरिंग कितनी की थी? 4 लाख। टोटल बोरिंग कितनी हुई? तो बेटा टोटल बोरिंग 7 लाख। 7 लाख के ऊपर निकालो 15%, एक लाख पांच हजार। ये मेरा क्या आ गया? बोरिंग कॉस्ट। बोलो बच्चों, अब इस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कितना करूं? जितने मैंने फंड्स यूटिलाइज किए। देखो 1,05,000 मैंने बोरो किए थे 7 लाख, 4 + 3, जबकि उसमें से फंड्स यूटिलाइज किए 4,30, तो मैंने प्रोपोर्शनेटली कितना डिवाइडेड बाय 7 लाख इनटू 430, 64,500 को मैं क्या करूंगा? कैपिटलाइज। बाकी का क्या करेंगे? पीएनएल। कितना? 1,05,000 माइनस कर दो, 40,500 आपका जाएगा पीएनएल, 1,05,000 माइनस करके। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? गाइस क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक काम करिए, कॉन्सेप्ट बुक निकालें, हम जल्दी इसका वो देख लें, डिफरेंसेस देख लें बेटा। डिफरेंसेस इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफाइंग असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इंडिया 23 डज नॉट अप्लाई टू सच असेट सच एज बायोलॉजिकल असेट अंडर इंडिया 41। इंडिया 23 स्पेसिफिकली बोलता है कि मेरे प्रोविजन बायोलॉजिकल असेट्स के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, जबकि AS 16 में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। दूसरा, इन्वेंट्रीज। बोलो बच्चों, इन्वेंट्रीज बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, AS 16 इज एप्लीकेबल टू द बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑल इन्वेंट्रीज दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम To bring them in a sellable condition। ऐसी जितनी भी inventories होती हैं, जिनको हम sale condition में लाने के लिए manufacture करते हैं, and manufacturing के दौरान it takes time। Rafael, government of India ने French company को दिया order बनाने के लिए। Obviously एक दिन की तो बात है नहीं, बोलो ना बेटा, एक दिन की तो बात है नहीं। कंपनी टाइम लेगी, इंडिया के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाएगी, सप्लाई करने में 3 साल लग जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वो सब करने, टेस्टिंग वेस्टिंग करने में, सब चीजें अप्रूवल होने में 3 साल लग जाएंगे। इट टेक्स 3 ईयर्स फॉर अ सेलेबल कंडीशन। जो फ्रेंच कंपनी है उसके लिए राफेल जो जहाज है, ये तो इन्वेंट्री है ना। बोलो ना बेटा, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम और नॉट? यस, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। बोलो बेटा, तो इस राफेल को AS 16 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग असेट माना जाएगा। आया समझ में कि नहीं? बोलो ना बच्चों, इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। शिप्स फॉर शिपिंग कंपनीज, लिकर, ये सब आपके सब्सटेंशियल क्या बोलते हैं, ये आपके बड़े सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है।
पर आपका ये इन्वेंट्री है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां देखो, इंड एज 23 इज नॉट एप्लीकेबल टू बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस। रिपीटेटिव बेसिस, अगर मैं इसी रफेल को इंडेस में भी बात करूं तो स्टिल ये रफेल जहाज क्वालिफाइंग असेट है, क्योंकि फ्रेंच कंपनी रफेल जहाज इंडिया के स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग बना रही है। ये बार बार रिपीटेटिव नहीं होगा ना, एक बार बना और कितने 36 जहाज, 36 जहाज देने भाई, अरे बोलो ना बेटा 36 जहाज, जबकि वो जो फ्रेंच कंपनी है वो तो बहुत सारे जहाज बनाती है, बोलो बेटा आज बात आई बात समझने की नहीं। पर यही पर अगर ये डिस्कस हो जाए कि तुम तो हमेशा हर साल हमें 10-10 जहाज देते रहोगे, अब ये क्या हो गया, रिपीटेटिव बेसिस पे जहाज देते जाएगा वो, बताओ फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर ये आपका क्वालिफाइंग असेट नहीं है। तो इंडेस ने थोड़ी सी बात को एडवांस कर दिया, उन्होंने बोला यार अगर आपकी इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म लेती भी है ना, सब्सटेंशियल टाइम लेती भी ना, उसके बावजूद एक कंडीशन और चेक कर लो, क्या आप उसको रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते हो, अगर हाँ तो भले वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है वो आपकी क्वालिफाइंग असेट नहीं होती, और अगर वो आपकी रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट वे है कि कस्टमाइज्ड असेट्स है तो रिपीटेटिव नहीं होगा तो आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग होगी, और कस्टमाइज्ड है तो क्वालिफाइंग होगी, कस्टमाइज्ड नहीं है मतलब सेम असेट आपकी रिपीटेटिव बेसिस तो बन रही है भले वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है तो आपकी वो क्वालिफाइंग असेट नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अरे भाई IRR, क्या IRR, ऊपर आइए एक मिनट, ये 5 एक्सक्लूसिव पॉइंट्स याद है आपको, कौन कौन से 5 पॉइंट्स थे, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसका एंसिलरी कॉस्ट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, फाइनेंस चार्जेस और एक्सचेंज लॉस। इंडेस बोलता है इन दोनों को इसने इस एक्सक्लूसिव लिस्ट से बाहर कर दिया। अरे कुछ रिएक्ट तो करो, एक्सक्लूसिव लिस्ट से बाहर कर दिया मतलब अब इंडेस की एक्सक्लूसिव लिस्ट में सिर्फ 3 कैटेगरी 3 पॉइंट्स आते हैं, कौन सा, इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फाइनेंस चार्जेस और एक्सचेंज लॉस। प्लस इनको बाहर क्यों किया, इंडेस ने बोला इनको तुम डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसीडर कर दो। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसीडर कर दो मतलब, हमने कल परसों AS 19 और IND AS 17 लीजेस का डिफरेंस पढ़ा था, उसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में भी मैंने आपको यही बताया था कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैश फ्लो उसमें इंक्लूड करके एक नया रेट निकालो, तो ये भी वही है कि इन दोनों को कैश फ्लो में इंक्लूड करके एक नया डिस्काउंटिंग रेट निकालो। तुमने लोन लिया, अरे यार सोचो यार बेसिक समझो प्लीज, तुमने लोन लिया 10 लाख रुपए का, बैंक से लिया 10 लाख रुपए का, कितने रेट का, 12% का, फिर से बोल रहा हूं, लोन लिया कितने रेट का, 12% का, कितने अमाउंट का, 10 लाख का, पहले दिन ही बैंक ने 10 लाख में से 50,000 रुपए काट दिए तुम्हारे, होता है कि नहीं होता है, हमने तो स्टेटमेंट देखे यार, अपन लोगों ने तो सब कुछ देखा है, पहले दिन ही 50,000 काट दिए, काय के काटे, स्टैंप ड्यूटी प्रोसेसिंग फीस से काट दिए, कितने बचे 950, लोन लिया गया 10 साल के लिए, ठीक है ना, लोन लिया गया 10 साल के लिए, टेक्निकली आपको कितने पैसे आए, 950 है ना, आपको 10 लाख रुपए आए क्या, और आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया, 12%, टेक्निकली 12% प्लस 50,000 चार्ज किए गए ना,
तो बताओ आपका क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट 12% है क्या? नहीं, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट 12 पॉइंट कुछ होगा, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, 12 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा? क्यों, ज्यादा क्यों होगा सर? प्रोसेसिंग पे 50,000, वो भी तो खर्चा है ना सर, उसको भी तो इंटरेस्ट का पार्ट मानो। तो ये इंडेक्स 23 क्या बोलता है? ये प्रोसेसिंग, ये स्टैंप, ये डिस्काउंट, ये प्रीमियम को अलग मत बुक करो, उसको तुम इंटरेस्ट के कॉस्ट में ही शामिल कर लो और एक नया इंटरेस्ट निकालो। अब समझ में आया? एट वो नया इंटरेस्ट के हिसाब से तुम बोरिंग कॉस्ट बुक करो। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो ये वाला जो डिफरेंस था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्रोसेसिंग कॉस्ट 50,000 है, 5,000 पर एनम, ये AS16 बोलता है। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए तो अब आप IRR निकालोगे। IRR में आप इनिशियल इनफ्लो कितना लोगे? 950, और फ्यूचर आउटफ्लोस कितने लोगे? जो आपके इंटरेस्ट क्या रहे उसके हिसाब से आप रेट निकाल लोगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, एक इंडेक्स 29 है, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, उसके बेसिस पर एक बोरोइंग रेट का कुछ कॉम्पनसेशन चलता है वहां लगता है, और जबकि AS16 में ऐसा कुछ है नहीं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब तो सबको पता है ना, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन को डिफाइन किया गया है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब, मैं आपको सारे पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, एक कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ हाइपर इन्फ्लेशन का, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर इन्फ्लेशन 3 साल में 100% तक आ जाए। 3 साल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, इतना इन्फ्लेशन कि मतलब पता ही नहीं पड़ता कि कल जो चीज कितने में थी और आज कितने की हो गई, इतना इन्फ्लेशन। एक ऐसी इकोनॉमी, बोलो बेटा, नाइजीरिया, युगांडा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वहां की करेंसी की बैंड बजी होती रहती है। कभी वो मतलब वहां के लोग अपनी लोकल करेंसी में प्रॉपर्टीज डेवलप ही नहीं करते, पैसा बनाते ही नहीं है, फॉरेन करेंसी में बनाते हैं ताकि स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी हमारी फॉरेन करेंसी में रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ये सारे डिफरेंसेस कुछ काम के नहीं है, सिर्फ मेन दो डिफरेंसेस हैं, एक इन्वेंट्री वाला और एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, ये दो डिफरेंसेस हैं। सो बेटा इसी के साथ हम अपना AS16 और AS23 खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद AS20 EPS। ठीक है, AS20 स्टार्ट होगा।
हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। अब बात करेंगे अपन AS20 मतलब अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर तू चौथी बार पूछ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इंड AS 33। इसको ना उधर रख दो, मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंड AS 33 AS 20 का इंड AS है नंबर 33। ठीक है, अच्छा ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। ईपीएस दो टाइप का होगा, बेसिक और डाइल्यूटेड। सबको पता है बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला EA ESH डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, बेसिक अर्निंग पर शेयर। अभी हम डाइल्यूटेड की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक हमें मिला न्यूमरेटर और दूसरा मिला डिनोमिनेटर। हमें दोनों बातों, दोनों पे हमें चर्चा करनी है, न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर। सो लेट्स कम टू न्यूमरेटर फर्स्ट। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब EA ESH। ठीक है, EA ESH न्यूमरेटर। अच्छा कुछ ऐसा है कि ईबीआईटी सबको पता होता है क्या होता है। अरे बोलो। हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा मुझे, ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। अच्छा एक और बात, ईबीआईटी शुड इंक्लूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और प्रायर पीरियड आइटम्स भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है सर, ये क्या होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं सर? बेटा ये AS 5 में डिफाइन किए गए हैं, AS 5 में डिफाइन किए गए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दोज इनकम्स और एक्सपेंसेस विच आर नॉट रेगुलरली इनकर्ड, है ना, नॉट एक्सपेक्ट टू इनकर्ड रेगुलरली, विच आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। और PPI मतलब आइटम्स ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स अराइज इन द करंट ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन। अच्छा टैक्स एक्सपेंस तो आपको पता ही है कि इसमें करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर टैक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा एक और बात, हम जो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं ना, वो इंटायर बिजनेस का निकालते हैं। कहने का मतलब चाहे आपके ऑपरेशन कंटिन्यूइंग हो प्लस डिसकंटिन्यूड हो, कंटिन्यूइंग एज वेल एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों का मिला के, कंटिन्यूइंग एज वेल एज डिसकंटिन्यूइंग दोनों ऑपरेशंस का मिला के। ठीक है बेटा, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों का मिला के। अगर करंट ईयर में आपका कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यूइंग है तो उसका भी अर्निंग कंसिडर किया जाएगा। ईबीटी में से टैक्स एक्सपेंस हटेगा तो ईएटी बचेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब इसमें से माइनस क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो बेटा,
अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कब माइनस करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड कब माइनस करना है? डिपेंड करता है कि ये क्यूमुलेटिव है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव क्या होता है बेटा? जिनके ऊपर डिविडेंड हर साल देना पड़ता है। तो हम अगर क्यूमुलेटिव होंगे तो ऑलवेज डिडक्ट, और नॉन क्यूमुलेटिव होंगे तो डिडक्ट ओनली इफ डिक्लेयर्ड। कुछ नहीं बोला जाएगा तो प्रेफरेंशियल कौन से माने जाएंगे? क्यूमुलेटिव। और इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आ जाएगा। हाँ, ये आ गया आपका EA ESH। बताइए इसके बाद मैं कहीं अगर मान लो मुझे बोला गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो वो लूं क्या? या मुझे बोला गया कि इक्विटी डिविडेंड भी पे किया तो क्या वो लूं क्या? ये दो चीजें नहीं। किसी प्रकार का भी कोई भी जनरल रिजर्व बनाओगे, कुछ भी करोगे, कैसा भी करोगे, कुछ भी नहीं लोगे, आपको यहीं पे स्टॉप होना है EA ESH पे। आ रही मेरी बात समझने की नहीं? आपको यहीं पे स्टॉप होना है। गाइस क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज सिंपली अ न्यूमरेटर, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी। बोलो ना बच्चों, सब समझ में आएगी नहीं? नाउ वी विल टॉक अबाउट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ना, डिनोमिनेटर मीन्स वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नाउ व्हाई वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज गाइस? व्हाई वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज गाइस? ऑब्वियसली ओपनिंग में शेयर कुछ और है, क्लोजिंग में कुछ और है, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं, बट वेटेड एवरेज लेने का कारण क्या है? बिकॉज एक व्यक्ति बैठा है शुरू से मेरी कंपनी में, वो एलिजिबल है 12 महीने की अर्निंग के लिए। एक व्यक्ति बैठा है मेरी कंपनी में 9 महीने से, तो वो 9 महीने की अर्निंग के लिए एलिजिबल है। कुछ बैठे हैं 3 महीने के लिए, वो मेरी कंपनी में 3 महीने की अर्निंग के लिए एलिजिबल है। तो मुझे ऑब्वियसली सबका वेटेड एवरेज तो करना पड़ेगा, सो दैट एक कॉमन ईपीएस निकाला जाए, तो सबकी इनकम को रिफ्लेक्ट करे। बोलो बेटा, वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। तो वेटेड एवरेज के लिए हम क्या, हम कौन सा वेट लेते हैं? टाइम वेट, टाइम वेट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट, ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट बोनस इशू, शेयर्स स्प्लिट एंड शेयर्स कंसोलिडेशन। इन तीन केसेस में आप टाइम वेट नहीं लेते हो। क्यों? इन तीनों को अगर देखें तो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे? बोनस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ रिजर्व्स में से देते हैं, तो रिजर्व्स आपके कहां रखे हुए हैं? एग्जिस्टिंग रिजर्व्स इन सरप्लस में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में। आप वहां से दे रहे हो तो आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं और आपका इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका फंड कम नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा स्प्लिट और कंसोलिडेशन, तो बिल्कुल ही सिंपल है। 100 रुपए का शेयर 10 रुपए कर दिया, 5 रुपए का शेयर 10 रुपए कर दिया, अरे बोलो यार, स्प्लिट ऑफ। तो इसमें कोई भी आपका एडिशनल फंड जनरेट नहीं होते, ये कोई भी आपका, ये आपका किसी भी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर फंड को चेंज नहीं कर रही, इसीलिए। बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? हाँ गाइस क्लियर है कि नहीं? ओके,
हाँ जी निकालिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस निकालिए आपको हम क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ। ठीक है कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 10-11 अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 10-11 10 लैक्स इक्विटी शेयर्स ओपनिंग 16,500 शेयर्स 10 रुपए 7 पेड अप पब्लिक इशू 1 जुलाई 10,000 शेयर्स 10 ईच 6 पेड अप रिसीव्ड कॉल्स 3 रुपए रिसीव्ड कॉल्स ऑन 1-11 4 रुपए मतलब ये कहने का कि शेयर्स पार्टली पेड है। पार्टली पेड शेयर्स के केस में कैसे निकालना चाहिए अर्निंग पर शेयर नोशनल कॉल करके? नहीं गलत नोशनल कॉल नहीं करना होगा। पार्टली को फुली पेड में कन्वर्ट करके? नहीं गलत नोशनल कॉल को बुलवा के मतलब पार्टली को फुली पेड में कन्वर्ट करके दोनों को हटाओ। आप एक काम कर सकते हो सिंपल तरीका आप नंबर ऑफ शेयर मत लो आप शेयर कैपिटल ले लो जितना भी आपका शेयर कैपिटल चल रहा है लाइक आ जाओ जैसे मुझे चाहिए वेटेड वैसे हम क्या निकालते हैं भाई वेटेड एवरेज हम क्या निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अभी हम बोलेंगे वेटेड एवरेज अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल आउटस्टैंडिंग मुझे बताओ ओपनिंग कितना था ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने 16,500 और उसका पेड अप वैल्यू कितना था 7 तो ये शेयर कैपिटल हो गया पेड अप और ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा 12/12 15 हाँ नेक्स्ट पब्लिक इशू किया कितना कितना बुलवाया 6 रुपए कब इशू किया पब्लिक 1 जुलाई मतलब 9/12 करो फोर्टी फाइव थाउजेंड अच्छा उसके बाद रिसीव कॉल कब किया रिसीव्ड कॉल्स एक तो 16,400 पे किया 3 रुपए 16,400 पे किया ना बेटा 3 रुपए इनटू कब कब किया 6/12 और 10,000 रुपए किया 4 रुपए कब किया नवंबर मतलब 5 मंथ्स कितना आ रहा है 24,600 16,667 हाँ ये आपका आ गया वेटेड एवरेज इक्विटी कैपिटल इन रुपीस बोलो बेटा चलो क्या निकालेंगे बेसिक क्या बोलते हो बेसिक अर्निंग पर रुपी अब पर रुपी निकलेगा बेटा क्योंकि हमने शेयर कैपिटल ले लिया पर रुपी निकलेगा बच्चों क्योंकि हमने शेयर कैपिटल ले लिया तो कितना आपका IASH है 10 lakhs डिवाइडेड बाय 201667
4.96. तो अर्निंग पर शेयर फॉर 10 रुपीज 49.6. क्लियर बेटा? बोलो क्लियर हो गया? ये हाँ ठीक है बेटा। बोलो बच्चों क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 148 149 पे आइए। 149 BEPS फॉर द ईयर 4-5-6 अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू 4-5 इज 10 लाख एंड 5-6 इज 12 लाख। इक्विटी शेयर इज ऑन 144 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। 1 अक्टूबर 4 फ्रेश इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 6 पेड अप। 1-7 इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रिसीव 4 पर शेयर। ये दोनों अलग अलग हैं क्या? 1 अक्टूबर में 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए फेस वैल्यू 6 रुपए मिले, और 1 जुलाई को क्या बोल रहा है? 1 जुलाई को क्या बोल रहा है? 1 जुलाई को ये शेयर फुली पेड हो गया। नोशनल नहीं बेटा, एक्चुअल कॉल किया, नोशनल कॉल नहीं किया। और 1 नवंबर को हमने बोनस इशू किया, ठीक है बेटा? तो बेटा आपकी जो वर्किंग बनेगी वो 2 साल की बनेगी, एक 4-5 एक 5-6। सबसे पहले 4-5 बताओ, आपके ओपनिंग कितने हैं? 4-5 बताओ आपके ओपनिंग कितने हैं? 10,000 कितने हैं बेटा, फिर से बोल लो। तो बेटा 10,000 इंटू पेड अप कितना है? हाँ पेड अप 10 है पूरा का पूरा। ठीक है, इंटू 12/12 कितना आ रहा है? 1 लाख। ओपनिंग के बाद इशू कब किया? 1/4 कितना? इंटू 6/12 कितना? 15,000। और कुछ नहीं, बस जगह छोड़ के थोड़ी सी अच्छी खासी बताओ। 1,15,000 1 लाख बेसिक अर्निंग पर शेयर किसका कितना होगा? 1 रुपी होगा वैसे। ईएसएच कितना है? 8.7
क्लियर है कि नहीं? बड़े आगे, ओके 8.7 पर रुपी। चलो अब नेक्स्ट, पांच छह बोलो। नहीं बेटा, कुछ फुली पेड है, कुछ पार्टली पेड है। हाँ तो नहीं होगा ना, रुक जाओ ना, आप शुरू से ही करो, पूरी वर्किंग शुरू से दिखाओ। पूरी वर्किंग ओपनिंग में इस बार शुरू से दिखाओ। कितना? 10,000, 10, 12 by 12, 1 lakh, और 5 into 6 था ना, हाँ, into 12 by 12, 12 by 12 हो गया। बोलो 12 by 12 कितना आया? 30,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है? नहीं इशू नहीं हुआ, वो रिसीव कॉल हुआ है, रिसीव्ड कॉल 5,000 शेयर पर किया ना, 4 रुपए। अरे नहीं, वो इशू भी है, कॉल भी नहीं है, वो जो इशूड शेयर्स थे ना उस पर कॉल है। हाँ वो थोड़ी सी गड़बड़, लैंग्वेज गड़बड़ है, डोंट वरी। हाँ इंटू 9 by 12, 50, 15। अब बोनस, बोनस कितना दे रहा है? हाँ 5,000 शेयर्स, चलो इंटू 10। बेटा बोनस में कभी टाइम वेट नहीं करते, मतलब इंटू 12 by 12 ही हो जाएगा। बोनस में अपन कभी टाइम वेट नहीं करते, थोड़ी देर पहले बताया था ना, बोनस शेयर स्प्लिट। हाँ सर मैं ना वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम। निकालो बेटा, आगे निकालो ना, बैसे करने पर रुपी 6.15, 6.15। जब आपने बोनस दिया, आपको पिछले साल का भी अर्निंग पर शेयर रीस्टेट करना पड़ेगा। अगर आपने करंट ईयर में बोनस दिया जिसके ऊपर आप टाइम वेट नहीं कर रहे हो, आपको लास्ट ईयर का भी ईपीएस रीस्टेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का ईपीएस हमने कितना निकाला है? हाँ? अगर ये देखो ना यार, आपकी अर्निंग कितनी है लास्ट ईयर में और करंट ईयर में? 12 लाख। अर्निंग बढ़ रही है जबकि अर्निंग पर शेयर देखो कितना हो रहा है, घट रहा है। तो इट शोज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को गलत मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या करें, थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। हम 5-6 को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है वो अपनी जगह पर, हम 4-5 को, जब 5-6 में जब हम 4-5 का कंपैरेटिव दिखाएंगे, तो 4-5 का कंपैरेटिव दिखाते वक्त हम ये वाली वैल्यू नहीं दिखाएंगे। तो हम कौन सी वैल्यू दिखाएंगे? हम दिखाएंगे 10 लाख डिवाइड बाय 1,15,000, तो जो था प्लस 50,000 रुपए का बोनस। हम ये वाली पिक्चर दिखाएंगे कंपैरेटिव में। बोलो बेटा क्लियर? अगले साल में नहीं, 5-6 में। हाँ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 148 कर लेना, 148 नंबर क्वेश्चन।
बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? राइट इशू, राइट इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इशू। हाँ रीस्टेटेड लिखना है ना, बिल्कुल लिखना है आपको, रीस्टेटेड लिखना है। अगर वो बोलेगा कि पिछले साल का भी निकालो तो आपको लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लास्ट ईयर का नहीं लिखना एक्चुअल। राइट इशू, अच्छा राइट इशू समझने से पहले दो मिनट समझे। मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास ओपनिंग में 1 लाख शेयर्स हैं, ओपनिंग में 1 लाख शेयर्स हैं, 1 जुलाई को पब्लिक इशू किया 50,000 का, 1 नवंबर को बायबैक कर लिया 30,000 का, इसको वेटेड एवरेज कैसे करोगे? कुछ बताओ ना कैसे करोगे वेटेड एवरेज? सर 1 लाख 12/12 प्लस 50,000 9/12 माइनस 30,000 इंटू 5/12 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉरी बायबैक 1 लाख। एक और तरीका होता है वेटेड एवरेज करने का, एनीबॉडी? 1 लाख ओपनिंग में था 1 अप्रैल को, 1 लाख कब तक चला? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, जुलाई में कितने हो गए? 1.5 लाख क्यूमुलेटिव बेसिस 1 लाख चला 3 बार 3 महीने। बोलो यस, नहीं बोलना है इसमें, बोलना है बोल लो 25। हाँ प्लस कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख कब तक? 9 महीने के कदे। अरे बायबैक भी तो हो रहा है दादा, डेढ़ लाख जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने। डेढ़ लाख से अब कितने हो गए? 1.20 कितने महीने? 1 लाख तो सेम है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको मार्क्स चाहिए इंस्टीट्यूट से राइट इशू के केस में, तो आप राइट इशू में ये वाला तरीका करना प्लीज। आप राइट इशू में ऐसा वाला तरीका करिएगा प्लीज, इफ वी नीड मार्क्स आपको ऐसा वाला तरीका करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, अपन जब राइट इशू करेंगे ना तो अपने को ये तरीका चाहिए रहेगा, इसलिए मैंने आपको अभी पहले से ही बता दिया। सर क्यों? अरे करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड उसी हिसाब से किया होता है, तो मैं क्यों क्या बताऊं? मुझे लगा तू ऐसा पूछेगा, ये टफ लग रहा है। एक बात बता, टफ और इजी को डिफाइन करने के लिए मैं कैसे इसको बोलूं टफ और इजी? सीपीटी वाले के लिए टफ इजी का अलग खेल होगा, यहां पर तुम्हारे लिए थोड़ी हो जाए। अच्छा नाउ लेट्स कम बैक टू द राइट इशू टॉपिक, लेट्स कम बैक बेटा, बातें हो गई। राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू के केस में आपको यह पता है ना कि हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को राइट इशू देते हैं, पता है? यह पता है कि आप कंसेशन पे देते हो, पता है? और ये पता है कि एक रिकॉर्ड डेट होती है, क्या होती है? रिकॉर्ड डेट में जिस दिन शेयर होल्डर्स, जिस दिन जितने शेयर होल्डर्स होंगे उतने शेयर होल्डर्स को एलिजिबिलिटी होगी राइट इशू की, ये पता है? पक्का पता है? कम राइट प्राइस क्या होता है ये पता है?
और एक्स राइट प्राइस क्या होता है ये पता है? पता होगा ना, बताओ। राइट की प्राइस इंक्लूड होती है और एक्स राइट प्राइस, राइट की प्राइस इंक्लूड नहीं होती है सर, मुझे इतना ही पता है। यस, विच प्राइस इज बिफोर डिक्लेरेशन? कम राइट। एंड विच प्राइस इज आफ्टर डिक्लेरेशन? एक्स राइट। सर ये भी नहीं, ये भी नहीं। आफ्टर राइट प्राइस, आफ्टर राइट इश्यू इज कम राइट प्राइस। आप नो कमेंट्स इधर, थोड़ा तेज बोलोगे आप? इधर बोल दो, डू सेम। तू बोलता ही नहीं है भाई। ओए चुप रहो, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। आप जब राइट इशू करते हो, जब कंपनी राइट इशू अनाउंस करती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। क्यों? जिनके पास शेयर्स नहीं है वो बोलते हैं कि हम रिकॉर्ड डेट से पहले पहले शेयर होल्डर बन जाएं, तो हम शेयर्स अक्वायर कर लें, डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, और जिनके पास शेयर्स हैं वो अपना शेयर्स बेचेंगे नहीं, सप्लाई गिर जाती है। वो बोलते हैं भाई अब तो रिकॉर्ड डेट तक तो हम रहेंगे ताकि हमें राइट का अधिकार मिले। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसीलिए क्या होता है, मार्केट में शेयर की टेम्पररी पर्पस, टेम्पररी बेसिस पर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। टेक्निकली जो आपका एक्चुअल प्राइस होता है ना, रियल जेन्युइन प्राइस, वो होता है एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस इज योर जेन्युइन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आपका शेयर का मार्केट प्राइस जेन्युइनली है सपोज 25 रुपए, कंपनी ने एक राइट इशू अनाउंस किया 12 रुपए में, ये राइट इशू प्राइस हुआ, सबकी हवाएं उड़ गई, सबने बोला यार 12 रुपए में शेयर मिल रहा है, वेरी गुड। जिनके पास शेयर है वो अपना शेयर बेचेंगे नहीं रिकॉर्ड डेट से पहले, जिनके पास शेयर नहीं है वो बोलेंगे यार राइट इशू तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, तो हम ये शेयर खरीद लेते हैं 25 रुपए में। जब मैं मार्केट में जाऊंगा 25 रुपए में खरीदने, तो सामने वाला मुझे 25 में क्यों बेचेगा? बोलेगा भाई मैं क्यों बेचूं तेरे को 25 में, समझ में बता रही कि नहीं? मैं तेरे से एक्स्ट्रा भी कुछ लूंगा, भाई मेरे पास राइट है, मतलब अब भी मेरे पास ऐसा शेयर है जिसमें शेयर के साथ साथ एक डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेज भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? और मैं तेरे से एक्स्ट्रा एडवांटेज के पैसे ले रहा हूं, लेट अस से 7 रुपीज, तो मैं तेरे से लूंगा 25 + 7 32 रुपए, 32 रुपए को मैं बोल रहा हूं कम राइट प्राइस। पर जैसे ही रिकॉर्ड डेट हो जाएगी, रिकॉर्ड डेट जैसे ही चली जाएगी, फिर क्या होगा, शेयर वापस से डाउन होके अपनी नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड डेट तक जो भी प्राइस होता है अनाउंसमेंट करने के बाद, अनाउंसमेंट करने के बाद रिकॉर्ड डेट तक जो भी प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस होता है? कम राइट प्राइस, और जो टेम्पररी होता है। बट एक बार रिकॉर्ड डेट निकल जाएगी तो अब उसके बाद जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है, और जेन्युइन प्राइस कौन सा होता है? एक्स राइट। आया समझ में कि नहीं? आपको रुकना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं कैसे किसी को जाने नहीं दूंगा अभी। तो एक्स राइट और कम राइट का ये बेसिक फंडा तो समझ लो। नाउ आपको क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस नहीं दिया होगा, तो कैसे निकालोगे? उसको बोलते हैं थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस।
कैसे निकलेगा? आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू कम राइट प्राइस प्लस राइट इशू प्रोसीड्स प्लस राइट इशू प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर बेटा? समझ में आया कि नहीं? इसको देखो ध्यान से. राइट इशू प्रोसीड्स, राइट इशू करके कितने पैसे आए? आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू कम राइट प्राइस. कितने शेयर्स पहले से ही आउटस्टैंडिंग थे, उनकी वैल्यू क्या थी मार्केट में, भले टेम्पररी पर्पस के लिए थी, और राइट इशू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए. इससे हमें क्या निकलेगा? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस. गाइस समझ में आया कि नहीं? तभी तो वो लॉजिक ज्यादा नहीं है, तभी तो वो थ्योरेटिकल है, बुकिश वैल्यू है, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस है. ऐसा कभी होता नहीं है. लॉजिक कोई ऐसा ज्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं है. मैं आपको लॉजिक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं. एक बार क्वेश्चन निकालो. क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड, राइट इशू का क्वेश्चन नंबर कौन सा यार, कहां गया? हाँ 150, राइट इशू 150. एक राइट इशू के क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा. राइट इशू आपका अकाउंटिंग ईयर है, देखो ध्यान से पूरा साल भर. फर्स्ट जनवरी से लेकर है ना कैलेंडर ईयर. हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2002 एंड 2003 20 लाख और 30 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू से पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बोलो? 10 लाख. वन न्यू शेयर फॉर ईच शेयर आउटस्टैंडिंग दैट इज 2.5 लाख. राइट इशू कितने शेयर्स का कर रहा है? राइट इशू कितने शेयर्स का कर रहा है? 2.5 लाख का. वन फॉर ईच फोर शेयर होगा, सॉरी वन न्यू शेयर फॉर एवरी फोर शेयर्स. गड़बड़ हो गई यहां पर. वन न्यू शेयर फॉर एवरी फोर शेयर्स 2.5 लाख इशू हो रहा है. तो बताओ राइट इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 12.5. टर्म्स ऑफ राइट इशू कितने में हो रहा है? राइट इशू 20. लास्ट डेट क्या है राइट इशू की? 31st मार्च है. जनवरी फरवरी मार्च. तो आप ये समझो कि जो मार्च है वो आपकी रिकॉर्ड डेट है. आप इसको अज्यूम कर लो. आपकी क्या है वो? रिकॉर्ड डेट. अच्छा, फेयर रेट ऑफ वन इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू इज 25 रुपए. ये 25 रुपए आपका है कम राइट प्राइस. सबसे पहले मुझे इसका थ्योरेटिकल निकालना है बेटा. कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे? 10 लाख. उनकी थ्योरेटिकल प्राइस कितनी थी? उनकी कम राइट प्राइस कितनी थी? 25. तो आपकी फंडिंग इतनी थी आपके पास पहले, नेटवर्थ इतनी थी आपकी. आपने कितनी फंड्स बढ़ा दिए? 2.5 लाख पर आपने कितने का इशू किया? 20 रुपए का. टोटल आपके पास 12.5 लाख शेयर्स हो गए. ट्वेंटी फोर को मैं क्या बोलूंगा? एक्स राइट, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस. क्या बोलूंगा? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस. अरे बोलो यार, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस. समझ में आया कि नहीं? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस, थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस.
हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था राइट इशू करने के वक्त आपको वो वाला तरीका अप्लाई करना है वेटेड एवरेज करने का, दूसरा वाला याद है? दूसरा वाला कौन सा था? हाँ, सामने आइए, देखिए टाइमलाइन बना रहा हूं मैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस राइट इशू लॉजिक। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड कैसे आंसर्स बनते हैं राइट इशू में, वो उसी हिसाब से मुझे करवाना है। आज से एक साल पहले तक मैं ये तरीका नहीं करवाता था, मैं तो कुछ और करवाता था, वो बहुत लॉजिकल बहुत ईजी होता था, बट अब मैं वो नहीं करवाता हूँ। मतलब नहीं है, मैं सोचता हूँ यार वो इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से करवाओ तो ज्यादा अच्छा है प्रेजेंटेशन। देखो है क्या, 1 जनवरी 2003 नहीं 2002 नहीं है, अच्छा कहीं दो है कहीं तीन है, फिर 13 हो गया, तो वो 3 मानो उसको बेटा, 3 मानो। और उसने राइट इशू कब किया? अरे डियर सरेंडर, वो रिकॉर्ड डेट दे दिया ना 31 मार्च 2003। 3 मतलब 13 मान लो यार उसको, 13 को 3 मान लो, ठीक है? तो हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2003। तो 1 जनवरी 2003 हमारा ओपनिंग है। बताओ ओपनिंग में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रखे थे? बोलो बच्चों, 10 लाख। और आज इनकी वैल्यू कितनी चल रही है? 25 रुपए। हाँ बोलो ना बेटा, आपने बोनस बोल रहा हूं, राइट इशू कब किया? 31 मार्च। 31 मार्च को आपका राइट इशू हुआ, बोलो बेटा। मतलब आपका इतना पीरियड तक जो शेयर का वैल्यू रहा वो 25 रुपए रहा, बट इसके बाद इस पीरियड में शेयर का वैल्यू 24 रुपए पर आ गया होगा। कौन से रुपए पर आ गया होगा? 24 रुपए। और यहां राइट इशू कितने हुए? 2.5 लाख। मुझे बताओ ना बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये 10 लाख कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे? हाँ? तो 3/12। जल्दबाजी मत करना है ना, मेरे साथ चलना। 10 लाख कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे? उसके बाद कितने महीने हो गए, उसके बाद कितने शेयर्स हो गए? और 12.5 कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे? 9/12। बट बेटा दोनों का बेस सेम नहीं है। ये 12.5 लाख शेयर्स आज 24 रुपए के हिसाब से हैं, एंड 24 रुपए इज रियली द जेन्युइन मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही कि नहीं? रियली द जेन्युइन मार्केट प्राइस, समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में शेयर कितने का था? इस पीरियड में शेयर कितने का था? 25 रुपए का। तो अगर 25 रुपए का शेयर था और यही पीरियड में अगर मान लो जेन्युइन प्राइस होती 24 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते? अब इंटू 3/12 अभी फिलहाल मत करो, फिलहाल 3/12 को मत कंसीडर करो, अब तो 25/24 करो, 10,40 समथिंग कुछ आएगा, 10,41,666,333 समथिंग कुछ आएगा, है ना? यही आ रहा है। आप समझो ये क्या है, बुक में लॉजिक नहीं मिलेगा, बुक में इंस्टीट्यूट इसको बोलता है दिस इज राइट फैक्टर, और बोलता है रट लो कम अपॉन एक्स। बस हमें लगता है यार क्यों कर रहे हैं ये कम अपॉन एक्स, है क्या? तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि इस पीरियड में शेयर कितने पर है? 24 पर। पर ये जो पीरियड था, ये पीरियड में शेयर ओवर वैल्यूड दिख रहा था, और अगर शेयर 24 के हिसाब से ही होता तो हम कन्वर्जन कर रहे हैं 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पीरियड को हम 9 मंथ्स के साथ बेस सेम कर रहे हैं, दोनों का बेस तो सेम हो, 3 मंथ पीरियड एंड 9 मंथ पीरियड। 9 मंथ पीरियड में 24 रुपए की प्राइस थी और वही जेन्युइन प्राइस है एक्स राइट, बट 3 मंथ पीरियड में वो जो प्राइस थी वो जेन्युइन नहीं थी। उसमें जेन्युइन प्राइस करने के लिए इंटू 25/24 किया, 25 का शेयर था, 24 का होता तो कितने शेयर होते?
आई बात समझ में कि नहीं? तो अब आप टोटल इनटू करो, मतलब 10 लाख इंटू 3/12 इंटू 25/24, थ्री लैख इंटू थ्री बाय ट्वेल्व इंटू 25/24, हाँ यही सही तो लिखा मैंने, 1/7। हाँ, और इसको इसमें मैं 25/24 क्यों नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी 24 पे ही है। चलो 12.5 लाख इंटू 9/12, 9 लाख हो गया आपका वेटेड एवरेज। क्या आ गया? वेटेड एवरेज। आपकी अर्निंग कितनी है देखने को? 30 लाख इस साल की अर्निंग डिवाइडेड बाय 1197917। ये हो गया आपका क्या? ईपीएस। अब आपको लास्ट ईयर का ईपीएस भी रीस्टेट करना पड़ेगा। क्यों? आपको इसी राइट फैक्टर को ही तो लास्ट ईयर का ईपीएस आप करंट ईयर के कंपैरेटिव में दिखाओगे तो बेस अगेन सेम होना चाहिए। तो आप लास्ट ईयर का ईपीएस कैसे निकालोगे? लास्ट ईयर की अर्निंग कितनी थी? 20 लाख। बोलो ना बेटा, लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर तो सिर्फ 10 लाख ही थे ना, और वो पूरे साल भर 12/12 थे, तो उनको भी तो मुझे 25/24 करना पड़ेगा उसी बेसिस पर, क्योंकि आज शेयर की वैल्यू 24 है, उसी बेसिस पर मुझे करना पड़ेगा। निकालो, बोलो बेटा निकालो, 1.92 आपका रजिस्टर्ड ईपीएस। समझ आया? हाँ, आपका डाउट मैं समझ गया कि सर ये तो ऑब्वियसली अनाउंसमेंट के बाद हुई होगी, तो ये लास्ट ईयर में तो हुई नहीं होगी। यस, पर मैं लास्ट ईयर का ईपीएस करंट ईयर में कंपैरेटिव में दिखाने वाला हूं, और आप इस बात को मानते हो कि राइट इश्यू में कहीं ना कहीं कुछ बोनस फैक्टर होता है, सस्ते में दिया जाता है, और बोनस इश्यू में हम क्या करते थे? लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करते थे करंट ईयर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसीलिए करंट ईयर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रीस्टेट कर रहा हूं, बस उतना लॉजिक है, ऐसा है। समझ में आया? ताकि वो बोनस फैक्टर आ जाए। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? आप बड़ा इसलिए रहो क्योंकि वो बोनस शेयर है ना, राइट इशू में बोनस इन्वॉल्व है ना, तो बोनस से बढ़ जाएगा ना उतने से। ये है, हाँ, फ्री पोर्शन है, जो फ्री पोर्शन है राइट इशू का, हम उतने से बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? सो दिस वॉज योर राइट इशू, सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस क्लास। ओके, आप चाहते हो टिक लगाना वो प्रैक्टिस मैनुअल? चलो इसको नोट कर लो, और उसके बाद किसका कौन सा वो लगाना है? सीएफएस।
बढ़े आगे। आई थिंक द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज फिक्स्ड, एक्चुअली इट इज फिक्स्ड एज 2nd of May। यस आई थिंक जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, नाउ द आईसीआई हैज अनाउंस्ड, आई थिंक शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट वी जस्ट हैव टू चेक आवर ऑफिशियल वेबसाइट, वी हैव टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, आई एम नॉट श्योर। जस्ट चेक द आईसीआई वेबसाइट ना डियर, व्हाई यू आर, जस्ट चेक द आईसीआई वेबसाइट। आप इलेक्शन की डेट आई है, इलेक्शन की डेट नहीं आई है, व्हाई आर यू डिस्कसिंग ऑल दिस इररिलेवेंट थिंग्स। ओ माय गॉड सर, हमने तो 1 महीने का थोड़ा प्रोविजन बना दिया था, शिट। अच्छा अभी ब्रेक में ही बना लिया था 1 महीने का प्रोविजन। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, नहीं सोचा करो ज्यादा, बाद में पोस्टपोन हो सकता है। तो वो इंस्टीट्यूट का टेंशन है, वो तुम लोगों का टेंशन नहीं है कि एग्जाम फॉर्म नहीं है। एग्जाम फॉर्म जब से आएंगे तब से तुम्हें रिक्वायर्ड टाइम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट आ चुकी है ना, यस और नो आ चुकी है ना, बात खत्म। अब अपने आप को अगर तुम मनाते रहोगे तो बेटा तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो, 1 नंबर के बेवकूफ हो। अगर तुम अभी भी अपने आप को बना रहे हो, एक तो पहले से ही बेवकूफी कर ली कि हमने अपने माइंड मेकअप ऐसा कर लिया कि हाँ चलो हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, पहली बेवकूफी, चलो ठीक है। दूसरी बेवकूफी अभी भी कि नहीं नहीं पोस्टपोन हो जाएगा, तुम तो ठहरे मोदी साहब के कोई वो घर के आदमी, चुनाव आयोग का कोई कोई है तुम्हारा, मतलब वहां पे वो करवा देगा, है ना। मैं क्या हिब्रू में बात कर रहा हूं इतनी देर से, उनको डांट रहा हूं तो तुमको अलग से डांटूं, पागल आदमी। तू क्या सुन नहीं रहे क्या बात के चल रही है। अभी बोल रहा सर पोस्टपोन हो जाए तो मजा आ जाए ना, सर पोस्टपोन हो जाए, अरे कहां हो यार तुम, निकलो बाहर, कैसे लोग हो यार, मतलब ये होता है रियली, मतलब एक क्या बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी। निकालो जल्दी वो, डाइजेस्ट करवाऊं तेरे को मैं। हाँ तू क्लास होने दे अभी खत्म, तेरे को डाइजेस्ट करवाता हूं। डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर। क्या हो गया देखो, बस मेरी किस्मत बहुत शानदार थी 2009 में। 2014 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, और मेरी किस्मत 2009 में बहुत शानदार थी। अनाउंसमेंट है, दिख गई कि इतने बड़े से दिखाऊं। ये हमारे नए, इनसे मिल लिए तुम लोग? वो जाने दो सर। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यस। फोर्टींथ फेब, यस द इट इज द डेट, 14th Feb। फाइनल का है, फाइनल का है, अंडर ओल्ड स्कीम 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख। ओ शिट, क्या ये उसको बुरा लग गया। उसको बुरा लग गया, जा रहे हो? अच्छा नहीं नहीं ठीक है बेटा, अपने आप 1 महीना वेस्ट करने के बाद बोलती है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है होता है, कोई बात नहीं, अपन अपने टिक लगाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब अभी भी तुम लोग पचा नहीं पा रहे हो क्या? ठीक है ना यार, सीरियसली ले लो बस बात खत्म। कैसे डाइजेस्ट होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और टेंशन में आ जाओगे, गोलियां लोगे, बीपी बढ़ाओगे, क्या टेंशन। अभी इतना पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है नहीं पिया पढ़ नहीं पढ़ा पढ़ना शुरू कर लो, 2 घंटे की नींद और कम कर देना, और क्या, 2 घंटे की नींद और कम कर दो बस, और क्या, इतना ही तो करना है, 5 पे चल रही है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके गाइस, सो यू कैन आप टिक लगाते जाओ जैसा मैं आपको बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रैक्टिस वाइज बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टू थ्री छोड़ दो, 2 जैसा ही है और हमने किया भी था। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, PD and SD, क्वेश्चन नंबर 4 PDSD। इस PDSD वाले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका, हायर परचेज का, एक हायर परचेज के ट्रांजेक्शन का पॉइंट आएगा, वहां हो सकता है आप लोग अटको, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। जब भी आप करोगे आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे डाउट पूछ लेना। अच्छा उसके बाद वॉर लिमिटेड पीस लिमिटेड, नहीं है सच, मेजर माइनर नो, फुटबॉल हॉकी हमने ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन, फुटबॉल हॉकी का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। हिम और सिम वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है ऑलरेडी, मल्टीपल एक्विजिशन था है ना, हिम सिम वाला क्वेश्चन कर लिया है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन वन सब्सिडी, एक्स वाई जेड ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा लिया है, एक्स वाई जेड, यस वाई ने एक्स को बेचा फिर वाई ने वहां जेड को बेचा, ठीक है ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, एक्स वाई जेड का मल्टीपल सब्सिडरीज। फिर मुंबई दिल्ली ये करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक सी चीज समझाता है आपका, ये करने की जरूरत नहीं है मुंबई दिल्ली वाला। के बाद फॉर प्रैक्टिस यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 11, बट इट इज नॉट सो, मतलब ऐसा कोई लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है, लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है। अरुण ब्राउन क्राउन, अरुण ब्राउन क्राउन, यस करना है अरुण ब्राउन क्राउन, क्वेश्चन नंबर बोलो 12। Yes, this is important. Question number 13. This is important. Question number 13. इसमें थोड़ा सा डिविडेंड में आप लोग शायद उलझे, डिविडेंड में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ी बहुत आए, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का कि आप करिएगा जरूर। नंबर कौन सा था, 13। फिर मॉर्निंग इवनिंग नाइट छोड़ सकते हो, क्योंकि वो सन मून लाइट हमने क्वेश्चन किए ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एंजल बोल्ट कैनोपी आप चाहो तो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ये एक्स वाई जेड मैंने आपको टिक लगवा लिया तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, छोड़ दो। राम श्याम टॉम कर लिया शायद, सन मून लाइट कर लिया, किम किन, यस इफ यू वॉन्ट टू डू दिस क्वेश्चन, यस द क्वेश्चन इज क्वाइट नाइस, आप चाहो तो कर सकते हो।
ईगल स्पैरो, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, जब सब्सिडरी से एसोसिएट में जाते हैं कन्वर्जन, ईगल स्पैरो सबसे लास्ट क्लास अपन ने कंसोलिडेशन जो किया था अपन ने लास्ट क्लास में, ईगल स्पैरो क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और ये जो एबीसी वाला क्वेश्चन है, हाँ ये कर लो ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। WHO मैं आपको करवा चुका हूं, WHO मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटीज, ये वो, ये कोल्ड और ड्राई मैं आपको करवा चुका हूं, कोल्ड और ड्राई वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूं, एयर लिमिटेड कोल्ड ड्राई, सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर वाला क्वेश्चन, ये करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसमें कुछ खास है नहीं, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, बस दैट्स इट, बाकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मत करो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 10-11 तो हो गए होंगे, 9 क्वेश्चंस, ठीक है, 9 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट यार, ठीक है, बाकी हमने क्वेश्चंस तो अच्छे खासे सफिशिएंट किए ही है, सो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, ओके, सो गाइस चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।